السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه ومن هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين आइए हम और आप मिलकर के नहायत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ दिल की अथाह गहराइयों से बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आली सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलाम अलैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ईद उल अज़हा की आमद आमद है, अब करीब ही ईद उल अज़हा का मामला भी सामने आएगा। ईद उल अज़हा के मसाइल ईद उल फितर से मुख्तलिफ हैं। ईद उल फितर के मौके पर इंसान रमज़ान मुबारक में आमतौर पर ज़कात अदा करता है, फिर सदक़ा फितर वगैरह अदा करता है, और ईद उल अज़हा ये कुर्बानी है। अब माल की कुर्बानी हो, जान की कुर्बानी हो, हर एक तरह से ये एक कुर्बानी है, और हमारे लिए इसमें सबसे बड़ा दर्स और सबसे बड़ा सबक ये है कि इस कायनात में जो कुछ है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है। हमने माल कमाया, हम चाहें तो रोक सकते हैं, हम कुर्बानी नहीं करेंगे तो पैसे बच ही तो जाएंगे, लेकिन एक मोमिन ये नहीं सोचता। वो ये सोचता है कि अल्लाह की रजा ही में दुनिया व आखिरत दोनों की भलाई है। आज रब ने हमें अगर इतना माल अता फरमाया है, उसकी इताअत और उसकी फरमा बरदारी करते रहेंगे तो कल इससे ज़्यादा भी वो अता फरमाने पर कुदरत रखता है। ज़ाहिरी तौर पर इंसान दुनिया को देखा करता है, जिसकी वजह से उसके ईमान में कमज़ोरी पैदा हो जाती है। उस कमज़ोरी को हमारा जो एक त्यौहार है जो दूर करता है वो ईद उल अज़हा है। वो जानवर जो सबसे ज़्यादा दुनिया में काटे जाते हैं वही जानवर सबसे ज़्यादा पाए भी जाते हैं। इससे ये बात समझ में आती है कि इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक जो सोचता है तो हर सोची हुई बात उसकी सही नहीं होती। ज़कात एक फरीजा है। साहिबे निसाब पर एक साल गुजर जाने के बाद ज़कात दी जाती है। अब कोई भी ये सोच सकता है कि 100 रुपए में से 2.5 रुपए निकल जाएंगे, 1 लाख में से 2,500 रुपए निकल जाएंगे तो 2,500 कम हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन एक अक्लमंद आदमी अच्छी तरह से जानता है कि ये 2.5 निकलेंगे लेकिन इस निकलने के बरकत की वजह से अल्लाह इससे ज्यादा अता फरमा देगा। माली जो बाग में रहता है वो दरख्तों के पत्तों को भी कभी काटता है, कभी शाखों को भी काटता है। देखने वाला धोखा खाता, अरे ये तो दरख्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। धोखा खाता है इंसान ये देख करके कि अरे 2.5 लाख में 1 लाख में 2,500 रुपए निकल रहे हैं, ये तो नुकसान है।
लेकिन माली अच्छी तरह से जानता है अगर नहीं काटूंगा तो ये बुराई का सबब बनेगा, काट दूंगा तो जितना अभी हरा भरा दिख रहा है उससे ज्यादा हरा भरा हो जाएगा। एक कुआं जिसमें पानी हमेशा जमा रहता है, अगर उससे पानी ना निकाला जाए तो ये बताएं उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पानी बदबूदार हो जाएगा। अब कोई ये देख करके बोले अरे कुएं से पानी निकाल लोगे तो उतना पानी तो उसमें कम हो जाएगा, कुदरत बताती है जनाब कम नहीं होगा, उतना पानी तो आ ही जाएगा बल्कि उससे बेहतर पानी आ जाएगा। पहले पानी बदबूदार था, पहले पानी में कीड़े पड़े हुए थे, लेकिन जब निकालने का सिलसिला शुरू हुआ तो नीचे का जो सोता था वो खुल गया, पानी आना शुरू हो गया और गंदा पानी निकल गया, ताजा पानी आ गया। अब वो पानी जो पहले से मौजूद था वो बीमारी का सबब था और जो दूसरा पानी आता किया गया वो शिफा का सबब बना। ऐसे ही ये कुर्बानी हमारे लिए एक इबरत का मकाम है। हम समझते ये हैं कि कुर्बानी देने से हमारा माल कम हो जाएगा। मैंने गुज़िश्ता जुमा आपके सामने बिल्कुल वाज़ह अंदाज में पेश किया था कि हजरत इब्राहिम को इसी वजह से तो आजमाया गया, बुढ़ापे में एक औलाद मिली तो ये बात ही तो कही गई कि ऐ मौला अब इब्राहिम के दिल में तेरी मोहब्बत के अलावा औलाद की भी मोहब्बत आ गई है। ये कुर्बानी का मामला इसीलिए पेश आया था ना, कहा आसमान लो 100 ऊंट 200 ऊंट कुर्बानी दिया जब बारगाह मौला में, वो कुर्बानी उस कुर्बानी के अलावा भी कुर्बानी मांगी गई तो औलाद को लेकर के पहुंच गए। मतलब क्या, मौला ऊंट भी तेरे थे मैं भी तेरा हूं औलाद भी तेरी है। कायनात में अगर किसी जात पर सारी चीजें कुर्बान की जा सकती हैं तो वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही हमारे लिए दर्स है, यही हमारे लिए इबरत का मकाम है, यही हमारे लिए इबरत का मकाम है कि हम अगर ये समझें कि इन सब चीजों की वजह से हमारे माल में कमी हो जाएगी, ये तो हमारी कम फहमी और कम आकली है। हकीकत ये है, आप देखो एक जानवर वो भी है कुत्ता जिसे कहते हैं, एक बार में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे देता है। लेकिन ये बताओ कोई उनकी नस्लों, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कुत्तों को बहुत मानते हैं, लेकिन ये बताओ क्या उनकी नस्लों की हिफाजत हो पाई है, क्या उनकी नस्लों की हिफाजत हो पाई है? यही भेड़ है, यही बकरी है, यही दुम्बा है, यही जितने भी इस तरह के जानवर हैं जिनको बाकायदा कुर्बान किया जाता है। हमारी अक्ल क्या कहती है, जब काट दिया खत्म हो गया तो अब वो नहीं पाए जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन कुदरत हमको दिखाती है कि अल्लाह के नाम पर जो चीज कुर्बान की जाती है अल्लाह उसमें इतनी बरकतें अता फरमा देता है कि आज चौराहों पर कुत्ते इतने नहीं बेचे जाते जितने की भेड़ बकरियां बेची जाती। आई कहां से, आई कहां से, कहा मेरे रब ने अता फरमाया। जब इनको कुर्बान करने का इंतमाम हुआ तो रब ने इंसानों के दिलों में इस बात को डाल दिया कि अगर इनको कुर्बान करना है तो इब्राहिम ने जो बच्चे के साथ यानी हजरत इस्माइल के साथ सुलूक किया था वही सुलूक भी तुम्हें करना होगा। कुर्बानी ये थोड़े ही ना है लाया काट दिया खत्म कर दिया बांट दिया कुछ रख लिया, ये तो ठीक है कुर्बानी तो हो जाएगी, लेकिन मकसद कुर्बानी ये नहीं है। हमारे फुकहा फरमाते हैं जानवर पहले खरीदो, जानवर पहले खरीदो और इसमें दुनिया का भी नफा है, आखिरी में खरीदोगे तो परेशानी होगी, जानवर पसंद का मिलेगा नहीं मिलेगा, महंगा भी मिलेगा ना जाने क्या क्या होगा, पहले खरीदोगे तो घर में लाओगे, वो तुमसे मानूस होगा, तुम उसके साथ मानूस होगे, उसको खिलाओ उसको पिलाओ उसके साथ रहो उसके साथ उंसियत पैदा करो। जब उंसियत पैदा होगी और अब अल्लाह की बारगाह में जब उसे कुर्बान करोगे तो तुम्हें वो दर्द महसूस होगा जो पहली कुर्बानी के वक्त हजरत इब्राहिम ने महसूस किया था। उस वक्त आपको अल्लाह की मोहब्बत का एहसास होगा, उस वक्त आपको अल्लाह की मोहब्बत का एहसास होगा कि हाँ कुर्बानी इसको कहते हैं।
एक कड़वी बात मैं आपके सामने रख देता हूं। आज शहरों में कॉन्सेप्ट क्या बनता जा रहा है, कुर्बानी करो फ्रिज को भरो, कुर्बानी करो अपने बर्तन को भरो, ये जो ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आज है ना, गरीबों का हक भी हम रख लेते हैं, रिश्तेदारों का हक भी हम रख लेते हैं, मुस्तहब ही सही, लेकिन है तो ये रखने का जो माहौल पैदा हो रहा है ये क्यों हो रहा है? आप गौर करके देखो, हमको जिस तरह से कुर्बानी करनी चाहिए हम उस तरह से नहीं कर पा रहे, इसी वजह से ये बन रहा है माहौल, इसी तरह से बन रहा है माहौल। कैसे? क्योंकि हमने बिल्कुल आखिर में खरीदा, तो किस लिए खरीदा? सिर्फ इसीलिए तो खरीदा कि इसको जबा करके हम इसको इस्तेमाल करेंगे, हम इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें इस्तेमाल करने की नीयत रही, उसमें इस्तेमाल करने की नीयत रही। लेकिन जिस जानवर को बहुत पहले खरीदा, उससे दिल लगाया, उससे उंजियत हासिल की, उसको अपने से लगाया और उसको जबा किया, तो अब वहां पर नीयत खाने की नहीं रहा करती, वहां पर रजाए इलाही की नीयत हुआ करती, वहां पर रजाए इलाही की। और अपने क्या, अपने पाले हुए जानवर को, अपने पाले हुए जानवर को जब कोई कुर्बान करता है तो ज्यादातर उसका गोश्त खाने का उसको दिल नहीं करता, तो फुकरा पर ज्यादा तसल्लुक करता है, फुकरा पर ज्यादा तसल्लुक करता है। और जिसको बिल्कुल आखिर में खरीदा और सिर्फ काटने ही के लिए खरीदा, तो उसका दिल इस बात पर आमादा होता है कि इसका गोश्त हम कैसे कैसे इस्तेमाल करें, इसीलिए ज्यादातर गोश्त रख लिया करता है, इसीलिए ज्यादातर गोश्त रख लिया करता। कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला रब्बुल इज्जत सालिह औलाद अता फरमा, अभी औलाद 13 साल की, अभी वो औलाद 13 साल की, सोचो कितनी मोहब्बत होगी, कितनी मोहब्बत होगी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, जिस हाथों से इस्माइल को खिलाया, जिन हाथों में हजरत इस्माइल को उठाया, प्यार से मोहब्बत से पेशानी का बोसा दिया, एक बाप की मोहब्बत जो दिखाई देती है वो अपने औलाद को हाथ लेने में ही तो दिखाई देती है। बाप की औलाद अगर उसके हाथों में हो तो कोई छीन करके दिखा दे, कोई छीन करके दिखा दे, लग जाएगा जमाने से, वो लग जाएगा। कहते हैं कि हजरत इस्माइल से मोहब्बत नहीं थी, यकीनन मोहब्बत थी, और अल्लाह और उसके रसूल के पास सबसे ज्यादा मोहब्बत थी, सबसे ज्यादा मोहब्बत थी। अब हजरत इब्राहिम ने क्या किया, जिन हाथों से खिलाया था उन्हीं हाथों से चाकू चला करके भी तो दिखाया, चाकू चला करके भी दिखाया। बास लोग ये समझते होंगे कि ये जुल्म है, बर्बरियत है, जी नहीं, ये जुल्म नहीं है, ये बर्बरियत नहीं है, ये इंसान को इंसानियत का सबक दिखाना सिखाना मकसूद है कि कायनात में अगर किसी जात से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाती है तो वह अल्लाह तबारक व तआला से की जाती है, अल्लाह से बढ़ करके न किसी इंसान से, न बीवी से, न बाप से, न माँ से, न औलाद से, न बाप से, किसी से उतनी मोहब्बत करने का हमको सबक दिया ही नहीं गया जितने की अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया। ये इसीलिए होता है। अब चंद चीजें मैं आपके सामने अर्ज कर दूं। अब कर्नाटक में खास तौर से बड़े जानवर पर पाबंदी लग गई है, बड़े जानवर पर पाबंदी लग गई है। मुश्तरका पहले कुर्बानी होती थी, पहले मुश्तरका कुर्बानी होती थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाबंदी बड़े जानवर पर लगी है तो हम कुर्बानी बंद कर दे, नहीं, हम मुसलमान हैं, एक बात याद रखो, हम अहकाम इस्लाम के ताबे हैं, हम कुर्बानी तो करेंगे ही, हम तो कुर्बानी करेंगे ही। हाँ, अगर बड़े जानवर पर पाबंदी लगा दी गई है तो छोटे जानवर पर पाबंदी अभी नहीं लगाई गई है, अभी छोटे जानवर पर पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं, लिहाजा उनकी कुर्बानी जरूर करो, छोटे जानवर की कुर्बानी जरूर करो, भेड़ है, बकरी है, इस तरह के बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं, उनकी कुर्बानी जरूर करो। अब बहुत सारे अफराद में इस तरह की चीजें होती थी कि ईद उल अजहा के मौके पर 15-15, 20-20, 25-25 बल्कि बाज लोग 40-50 तक की कुर्बानियां करते थे। कैसे? ये हमारे माँ बाप के नाम पर है, जो मरहूम है, जो गुजर चुके हैं, है ना, जो दुनिया से जा चुके हैं, ये दादा दादी के नाम पर है जो दुनिया से जा चुके हैं, ये नाना नानी के नाम पर है जो दुनिया से जा चुके हैं। कहते हैं कि
ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से भी बहुत सारे अफराद करते हैं। कहा ये गौसे पाक रजी अल्लाह तआला के नाम पर, ये चारों खुलफा के नाम पर है, ये सारी कुर्बानियां होती थी पहले, अभी भी होगी। कुर्बानी का सिलसिला सुबह कयामत तक रुकेगा नहीं, सुबह कयामत तक रुकेगा नहीं। लेकिन अब दुश्वारी ये हो गई है कि पहले बड़े जानवर में हिस्सा ले लेते थे, 2000-4000 में हिस्से मिल जाते थे, 2000-4000 में हिस्से मिल जाते थे। लेकिन अब बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं हो रही है, तो इस तरह के अफराद को चाहिए ये कि अगर कुर्बानी में परेशानी हो रही है तो जिन पर कुर्बानी वाजिब है कम से कम उनको करें, उसको करें। जैसे हम पर कुर्बानी वाजिब है, हमारी घरवाली पर कुर्बानी वाजिब है, हमारे वालिद हयात से हैं तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है, वालदा हयात से हैं, मसाहिबे निसाब हैं तो उन पर भी कुर्बानी वाजिब है। मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी कर देना ये मुस्तहब है, नवाफिल में है, फराइज और वाजिबात में नहीं, फराइज और वाजिबात में नहीं है। लिहाजा आज के माहौल में अगर किसी के पास इतनी वसात नहीं है, पहले जैसे 20-20, 30-30, 40-40 कुर्बानियां कराया करता था, अब मुश्तरका जानवर में हिस्सा नहीं लिया जा सकता, मुश्तरका जानवर में हिस्सा नहीं लिया जा सकता, तो वो 30-30, 40-40 कुर्बानी नहीं करा सकता, लेकिन 15-20 जिनके ऊपर वाजिब है वो तो करा सकता है। तो याद रखें कि गौसे पाक रजी अल्लाह तआला के नाम पे कराना बहुत अच्छी बात, लेकिन याद रखो उससे पहले अपना जो वाजिब है उसे पूरा करने की कोशिश करो। ये नफिल इबादतें उसी वक्त काबिले कबूल हैं जब तक कि हम फराइज से सुबुकदोश हो जाएं, जबकि हमारे सर पर फरीजा ना रहे। और अगर हमारे सर पर फरीजा है, हम लाख अपने माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के नाम जो मरहूम हैं उनके नाम पर कुर्बानी करते रहे, सवाब पहुंचाते रहे, सवाब तो पहुंचेगा, लेकिन आप अगर अपने नाम पर नहीं कर रहे तो गुनहगार होते रहेंगे। आप अगर अपने नाम पर नहीं कर रहे और आप साहिब निसाब हैं, आप साहिब निसाब हैं तो आप गुनहगार होते रहेंगे। आपके ऊपर हम पर वाजिब है कि पहले हम अपनी तरफ से कुर्बानी करें, हम अपनी तरफ से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान तो हम जिंदगी भर उतारते रहेंगे, नहीं उतर पाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो यहां तक परवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जानवर अपनी तरफ से कुर्बान किया और एक जानवर पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कुर्बानी की, पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से कुर्बानी की। और इसी रविश पर, इसी उसूल पर हजरत मौलाए कायनात भी कायम रहे। अपनी जिंदगी में जब भी कुर्बानी करते तो दो कुर्बानी करते। लोगों ने पूछा, अली एक तो बात समझ में आती कि एक आपकी तरफ से कुर्बानी है, दूसरी कहा रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि तुम भी ऐसे करते रहो, लिहाजा मैं भी ऐसे ही करता हूं, एक अपनी तरफ से और दूसरी उम्मत की तरफ से। तो वो नफिल कुर्बानी है। नफिल कुर्बानी का हुक्म सुनो, नफिल कुर्बानी एक आदमी की तरफ से भी की जा सकती है और पूरी उम्मत मुस्लिमा यानी करोड़ों करोड़ इंसान की तरफ से भी की जा सकती है। बात समझ आई? एक आदमी की तरफ, नफिल की बात कर रहा हूं कि एक नफिल कुर्बानी एक आदमी की तरफ से भी की जा सकती है और करोड़ों इंसान यानी पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से भी कर दी जाए तो वो कुर्बानी हो जाएगी, वो कुर्बानी। तो नफिल कुर्बानी में शिरकत दुरुस्त है, लेकिन जो वाजिब है छोटे जानवर में शिरकत नहीं हो सकती। छोटे जानवर में जैसे भेड़ है, बकरी है, उसमें शिरकत नहीं हो सकती, वो एक ही की तरफ से जो वाजिब कुर्बानी है। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि आज इस तरह की जब पाबंदियां लग गई हैं तो हमें अपने आप को हिलाकत में डालने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका बदल पैदा फरमाया है, उसका बदल पैदा फरमाया है। अच्छा, एक बात और भी मैं देखता हूं, हम जिन चीजों को ना रोक सके, जमाने ने उन चीजों को रोक दिया, कुदरत ने रोक दिया। पहले बड़े तमाशे होते थे, बड़े बड़े बैल खरीदे जाते थे, बड़े बड़े जानवर ऊंट वगैरह भी खरीदे जाते थे, हार वगैरह डाल कर कई किलोमीटर तक तमाशे होते थे, कई एक बच्चे चला करते थे, दिखावा इतना कि मतलब पूरे पूरे मोहल्ला नहीं, कई कई किलोमीटर तक शो की फलाने ने कई लाख का बैल खरीद लिया। अब हम जब मना करते थे कि दिखावा मत करो, इबादत पे दिखावा जायज नहीं है, तो आपने नहीं कबूल किया। अब कुदरत ने ही ऐसा इंतजाम कर दिया कि आपको मानना ही पड़ेगा। तो याद रखो, मेरे रब की लाठी आवाज है, रब की कुदरत ऐसी है,
उसका हुक्म मानोगे तब तो अच्छे रहोगे, नहीं मानोगे तो उसे मरवाना भी आया करता है, उसे मरवाना भी। अब गौर करके देखो उसने मरवाया किसके जरिए से। हमको ये उम्मीद थी कि हम में से एक उठेगा जो इन चीजों का पाबंद है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारे यहां कौम जो मर रही है दिखावे पर मर रही है, हमारे यहां जो कौम मर रही है दिखावे पर मर रही है। कोई काम बगैर अखबारी बयानात के, बगैर टीवी शीवी के होता ही नहीं है। अरे तुम उनके मोहताज नहीं हो बखुदा, तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकाम के पाबंद हो। और रियाकारी के बारे में कुरान पाक ने अल्लाह को कहा, ला तुब्दिलु अमवालकुम, अपने अमाल को बर्बाद न करो। लोगों को बेअनास लोगों के दरमियान में दिखा करके अपने अमवाल को बर्बाद मत करो, इबादतों को बर्बाद मत करो। ये बर्बाद करना नहीं था, ये बर्बाद करना नहीं था। तमाशे होते थे, इतना खरीदा, इतना लिया, इतना भारी बरकम है, कुदरत ने इंतजाम कर दिया, इतना करना बंद करो। जो कुछ करना है अपने रब के नाम पर करो, जो कुछ करना है वो अपने रब के नाम पे करो। अच्छा, ये बात हुई कि अब बड़े जानवर की कुर्बानी मुश्किल है, बड़े जानवर की कुर्बानी मुश्किल है। शरीयत भी ये नहीं कहती कि आप जबरदस्ती अपने आप को हलाकत में डालो। वला तुर्कु बिअयदिकु में डालता लोग अपने आप को। हाँ, अगर बदल नहीं रहता तो अलग बात रहती, एक बदल है, यानी उसका मुतबादिल हमारे पास मौजूद है, तो मुतबादिल पर अमल करने की यकीनन इजाजत है। तो हर आदमी छोटे जानवर की कुर्बानी करे, दिखावे का उसमें कोई अमल दखल ना हो। जितनी अल्लाह ने कुव्वत दी है, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है, एक 10,000, 8,000 जितने में भी जानवर अगर मिल जाता, छोटा ही सही, अल्लाह ने जितनी हमें कुव्वत दी है। फिर से सुन लो इस बात को, वो जरूरी नहीं है कि हम 50,000 का बकरा खरीदेंगे तभी हमारी कुर्बानी होगी। अल्लाह के पास ये ना कुर्बानी, ये ना गोश्त पहुंचता है और ये ना जानवर पहुंचते हैं। ना खून पहुंचता है वाला दिमाग और ना ही उसका गोश्त पहुंचता है, ना ही खून पहुंचता है। तो पहुंचती क्या है तुम्हारी कार, वला की लेकिन तुम्हारी तकवा, तुम्हारा तकवा, तुम्हारा डर, तुम्हारा खौफ, अल्लाह के ऊपर पाबंदी करने का जज्बा, यही अल्लाह रब्बुल इज्जत देखना चाहता है, यही अल्लाह तबारक व तआला देखना चाहता है। तो आज तो हालात ऐसे ही बना दिए गए हैं कि हम अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाएं। जिसको हम और आप ज़हमत समझा करते हैं, अगर आंख खोल करके देखें तो उम्मत मुस्लिमा के लिए वो ज़हमत नहीं है, वो रहमत है, वो रहमत है। बकरियां रेवड़ से निकल करके जब बाहर चली जाया करती हैं तो उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, जो उनको नोच करके, दांत गड़ा करके, खून निकाल करके रेवड़ की तरफ वापस लाया करते हैं। जनाबे वाला, उम्मत मुस्लिमा बह चुकी है, इसके अंदर रियाकारी, दिखावा, ये शोबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने तो एक बहुत गलत चीज भी देखी, जो बोलना मेरा फर्ज है बोल देता हूं, शादियों में क्या ये पटाखे उड़ाने के आप जिम्मेदार हैं? अरे ये रस्म तुम्हारे अंदर आई कहां से, ये रस्म तुम्हारे अंदर आई कहां से, क्या आप इसके मुकल्लफ हो? रब ने कयामत में अगर सवाल कर दिया गया, रब ने कयामत में अगर सवाल कर दिया कि क्या दौलत आपके आपके लिफ्टों में उड़ाने के लिए मैंने अता फरमाई थी? क्या दुनिया में भूखे ना थे, प्यासे ना थे? नुमाइश और ऐसी नुमाइश कि गैरों का जो तरीका है वो तुम्हारे अंदर आ गया। मैंने अभी मिसाल दी कि जो बकरी रेवड़ से भटक जाया करती है वो भेड़ियों का निवाला बन जाया करती है। अपने मजहब से भटक जाओगे, बहुत सताए जाओगे, बहुत मारे जाओगे, बहुत तशद्दुद किया जाएगा। क्या मुल्क के हालात इस बात के गवाह नहीं है? क्या मुल्क के हालात इस बात के गवाह नहीं है? यकीनन गवाह है। अब सवाल ये है कि मुसलमान करे तो करे क्या, मुसलमान करे तो करे क्या? पहले दिन से बोलता आ रहा हूं, कितनी भी आजमाइश में डाले जाओ, उन हालात में बस एक ही काम करना है, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के पाबंद बन जाओ। जहां तक हो सकता है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के पाबंद बनते चले जाओ। यकीनन अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के पाबंद बनोगे
दुनिया में भी तुम्हारी शनाख्त अच्छी रहेगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अच्छी रहेगी, आखिरत में भी अच्छी रहेगी। तुम ये समझते हो कि एक ही बात का बार बार दस दिया जाता है, मस्जिद आओ नमाज पढ़ो, मस्जिद आओ नमाज पढ़ो, मस्जिद आओ नमाज। हाँ, इसमें तुम्हारी बका है। तो दूसरी कौमें तुमसे जो डरती है वो इसलिए डरती है कि ये इम्तिहान कहां मिलेगा। देखो हिंदुस्तान में आज बात होती है कि सबसे बड़ी जो कौम है वो है तुम नहीं हो। अरे जनाब, हमको ये दिखाया जाता है कि तुम दूसरे नंबर के हो, तुम दूसरे नंबर के हो। ये हकीकत है क्या? ये हकीकत है। तुम एक, चलो तुम्हारा एक 20 करोड़ की आबादी का ही मामला ले ले, 20 करोड़ ही सही, 20 करोड़ तो हो, बताओ किसके सामने तुम्हारी पेशानियां झुकती हैं? कितने खुदाओं को तुम मानते हो? जिस आयत को मैंने पढ़ा ना ज़बह करने के वक्त, तुम क्या पढ़ते हो? इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह, कोई शरीक नहीं है उसका, कोई शरीक नहीं है मेरे रब का, मेरे रब की रुबूबियत में कोई शरीक नहीं हो सकता। हम मगर पेशानी झुकाते हैं तो अपने रब के सामने ही झुकाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ ऐसे भी लोग ला करके दिखा दो जो एक खुदा को मानते हो मुसलमानों के अलावा। अरे 20 करोड़ तो बहुत बड़ी बात हो गई, तुम एक 50,000 लोग ला करके दिखा दो जो एक खुदा को मानते हो। कोई ना कोई शिद रहता है, कोई किसी को मानना है, कोई किसी को मानना है, कोई किसी को मानना है, पेड़ पत्थर जिसको चाह उसको बना लिया, और फिर भी वो ऐसा फटा हुआ कि बोलते हैं कि दो नंबर के। अरे दो नंबर तो आप हो, हम तो 1400 साल से एक ही खुदा को पूजते आए, और जब तक जिंदा रहेंगे सुबह कयामत तक एक ही खुदा की परस्तिश होती रहेगी, एक ही खुदा की परस्तिश होती रहेगी। जनाबे वाला, दुनिया जो दिखाया करती है वो है नहीं, और जो है वो दिखाया नहीं जाता। तुम्हारे सजदे इस बात के गवाह है कि कौमे मुस्लिम से अगर कोई डरता है तो उसकी इबादतों की वजह से डरता है, उसके रब की बारगाह में झुकने की वजह। तुम्हारी तादाद दिखती कहां पर है? आज तुम अगर बाजार में चले जाओ, अगर तुम 20 हो तो वो 80 है। तुम्हारी तादाद दिखती कहां पर? अगर तुम 20 हो तो वो 80 है, 80 के उससे ज्यादा है। कहीं भी चले जाओ तुम्हारी तादाद दिखेगी कहां पर? लेकिन तुम्हारी तादाद एक जगह जरूर दिखती है, वो अल्लाह का घर है जहां पर तुम्हारी तादाद दिखाई दिया करती है। जुमे में हार ये हो जाता है, मस्जिद का हरगोशा भर जाया करता है, ईदगाह में हार ये हो जाता है कि तुम्हारे सज्दा करने के लिए जमीन नहीं रहा करती, तुम रोड और सड़कों पर सज्दा किया करते हो। तुम अल्लाह की बनाई हुई जमीन उस हाथ पे, तुम अल्लाह की बनाई हुई जमीन पर सज्दा किया करते हो। सोचो ये क्या कौमें नहीं देख रही है? अरे आज इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में कम से कम 30 लाख हुज्जाजे किराम मौजूद है। सोचो 30 लाख हुज्जाजे किराम मौजूद है, ये किसको मानने वाले हैं? ये कौन सा कलमा पढ़ा करते हैं? ये किस खुदा को माना करते हैं? अल्लाह अकबर क्या पढ़ा करते हैं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, हाजिर है मौला हम तेरी बारगाह में हाजिर है, ला शरीक लक, मौला तेरा कोई शरीक नहीं है, मेरा मौला तेरा कोई शरीक नहीं है, हम तेरी बारगाह में अपनी पेशानी को जो आज 30 लाख जमाने एक साथ कहा करती है, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हमदा वन निअमता लक वल मुल्क, मौला सारी कायनात की तारीफ, सारी मिल्कियत, सारी खुदाई तेरे लिए है, सारी खुदाई तेरे लिए है। ये कितनी जबानें बोल रही हैं? कहा ये तो वो लोग हैं जो एक साल पहुंचे, ये एक साल, अभी तो सैकड़ों साल में सैकड़ों हजार सैकड़ों लाख सैकड़ों करोड़ पहुंचेंगे और हर जमाने यही करेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अपनी शनाख्त की तारीख को पढ़ो, अपनी शनाख्त और अपनी तारीख को पढ़ो। हमारी जबान से अगर कुछ निकलता है तो अल्लाह की वहदानियत है और रसूलुल्लाह की रिसालत है, अल्लाह की वहदानियत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है। इसीलिए हम कहते हैं मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद फरमाएगा। ये कुर्बानी, ये कुर्बानी, मैंने कहा ये कुर्बानी हम ये समझते हैं हमारे माल के जाने का सबब है। गौर करके देखो, ये हमारे माल के जाने का नहीं, हमारे माल के आने का सबब है, हमारे माल के आने का सबब है। दुनिया में खाना खाने के लिए दिया गया, ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं दिया गया, है ना? खाना जो है, रिस्क जो है, वो खाने के लिए दिया गया, ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं। ये इबादत है, इस बात का, इस बात की दलील है कि ये इबादतें हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए है, अल्लाह के हुक्म को मानने के लिए। अल्लाह का हुक्म क्या है?
कुर्बानी करो जो भी साहिब निसाब हो, कुर्बानी करो जो भी साहिब निसाब हो। इस मौके पर चंद मसाइल भी आपके सामने रख देता हूँ। घर में चंद अफराद होते हैं, घर में चंद अफराद होते हैं, वालिद हैं, चार बड़े बेटे हैं, एक आध बेटियां, मैं मिसाल दे रहा हूं। कहते हैं कि वालिद साहिब निसाब है, उनके ऊपर कुर्बानी है। वालदा, चूंकि उनके पास भी जेवरात वगैरह कुछ ना कुछ तो होगा, कहते हैं कि 35,000 से ज्यादा की अगर रकम है या सोना है या चांदी है तो उनके ऊपर भी ज़कात वाजिब है। ऐसी बेटों की अगर शादी हो गई है तो बेटे के पास भी कुछ ना कुछ होता ही है। इस जमाने में तलाश कौन है, इस जमाने में तलाश कौन है? 30-35,000 तो सबके पास रहते हैं, कहा उसके ऊपर भी अगर है पैसा, कर्जा वगैरह नहीं है तो उसके ऊपर भी कुर्बानी है। कहते हैं उनकी बीवियां, अब वो अपने ही ससुराल अपने ही मायका से इतना लेकर के आती है कि उनके ऊपर अमूमी तौर पर कुर्बानी वाजिब हुआ करती है, उनके ऊपर भी कुर्बानी वाजिब। अब हमें यह नहीं समझना चाहिए कि घर के दो बड़ों के नाम से हमने कुर्बानी कर दी तो सबके नाम से हो गई। जी नहीं, जो जो साहिबे निसाब है हर एक को कुर्बानी करना है, जो जो घर में साहिबे निसाब है हर एक को कुर्बानी करना है। और बड़े जानवर में सात हिस्से होते हैं, अभी कर्नाटक में उसकी इजाजत नहीं है, लेकिन मसला तो बोल ही दो, मसला तो बोल ही दो। बड़े जानवर में कहते हैं कि भैंस है, बैल है, ऊंट है, इस तरह के जो बड़े जानवर हैं, सात हिस्से हो सकते हैं, यानी सात आदमी मिलकर के कुर्बानी उसमें कर सकते हैं और कुर्बानी हो जाएगी। अच्छा, कोई एक आदमी अगर उसमें अकीके को भी शामिल करना चाहे तो अकीके को भी उसमें शामिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर 6 हिस्से कुर्बानी के, 1 हिस्से अकीके का, हो जाएगी कुर्बानी, हो जाएगी कुर्बानी। तो सात बड़े जानवर में और एक छोटे जानवर में, छोटे जानवर की उम्र का कम से कम 1 साल का होना चाहिए, कम से कम 1 साल का होना चाहिए। और बड़े जानवर कहा कि बैल वगैरह, ये कहा 2 साल, कहा ऊंट वगैरह कहा 3 साल, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए ना, कम से कम इतना होना ही चाहिए। फरमाते हैं कि ये उम्र हुई, बाज लोगों के जहन में एक बात भी है कि भैंस की कुर्बानी नहीं होती है, भैंस की कुर्बानी नहीं होती, ये गलत है। पिछले हफ्ते मैंने एक बात बताई थी कि हमारे यहाँ एक मसला और भी मशहूर है कि चाकू में 3 बटन होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। चाकू का अच्छा होना जरूरी है, 3 सुराख का या 3 बटन का होना कोई भी जरूरी नहीं है। अब एक मसला ये कि आम तौर पर कुछ लोगों के दरमियान में ये बात मशहूर है, भैंस की कुर्बानी नहीं होती, भैंस की पड़वा वगैरह जो है, भैंस में जो नर हुआ करता है उसकी कुर्बानी नहीं होती। ये आपका अपना मसला है। फुकहा इकराम ने फरमाया कि बैल और जो गाय है उसी की एक नस्ल जो है भैंस भी है, उसी की एक नस्ल एक भैंस भी है, भैंस है, भैंसा है, जो भी है उसकी कुर्बानी यकीनन की जा सकती है। और कोई कुर्बानी अगर कर रहा है तो उसकी कुर्बानी भी सही है, उसकी कुर्बानी भी सही है, कुर्बानी हो जाएगी। ये जहन में ना रखें कि कोई भैंस हो या भैंस का बच्चा हो या भैंसा हो उसकी कुर्बानी नहीं करे, किसकी कुर्बानी नहीं की जा सकती, कहा जंगली जानवर उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। जैसे हिरन है, जैसे हिरन है उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, बकरी है, कहा ये जंगली जानवर नहीं है, ये पालतू जानवर है, ये पालतू जानवर है, तो पालतू जानवर की कुर्बानी होगी, कहा इसी तरह से जंगल में घूमने वाले बहुत सारे जानवर इस तरह के हैं, जैसे नील गाय वगैरह है, कहा उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती, उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती। एक जाब्ता जहन में रखने, जो जानवर जंगली जानवर है उनकी कुर्बानी नहीं हुआ करती, और जो जानवर पालतू है उसकी कुर्बानी हो जाएगी, उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अब अगर कोई ये समझे कि हिरन को रख करके पाल करके अब कुर्बानी की जा सकती, कहा कि वो नस्ली एतबार से तो जंगली है, नस्ली एतबार से तो वो जंगली है, कहा उसकी कुर्बानी नहीं होगी, पैदाइशी पालतू होना चाहिए, पैदाइशी पालतू होना चाहिए, चाहे वो भेड़ हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो भेड़ा हो, चाहे वो दुम्बा हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो भैंस हो, भैंसा हो, ऊंट हो, तमाम की कुर्बानी हो जाएगी। हाँ, कर्नाटक में भी हम आपसे ये कहेंगे कि बड़े जानवर की कुर्बानी के पीछे ना जाएं, हुकूमत की तरफ से पाबंदी है, तो अपने आप को बिला वजह
हलाकत में डालना ये मोमिन की शान नहीं है। वला तुर्को बेईदीकों के लगता होगा, अपने आप को जान बूझ करके हलाकत में ना डालो। अब सुनो, मैंने ये मसला पहले बताया कि जो लोग 30-30, 40-40 कुर्बानियां करते थे, तो अब मुश्तरका कुर्बानी नहीं होने की वजह से उनको दुश्वारियां होगी। आज के वक्त में अगर 40-40 बकरियां खरीदी जाए तो कई लाख की हो जाएंगी। अगर 40-40 बकरियां खरीदी जाए तो कई लाख की हो जाएंगी। गिरा गुजरेगा उनके ऊपर, उनको ये बात गिरा गुजरेगी कि साले गुज़िश्ता हमने दादा के नाम पर भी किया था, दादी के नाम पर भी किया था, नाना नानी खुद रसूल पाक के भी नाम पे किया था, और ये तमाम कुर्बानियां की थी, क्या इस साल नहीं करें? उनके लिए हम एक ही बात कहेंगे, अगर अल्लाह ने आपको वसात दी है तो जरूर कीजिए, अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो जरूर कीजिए, और अगर वो ताकत नहीं है तो कम से कम आपके ऊपर जो फरीजा है कुर्बानी का वो आप अदा कीजिए। मरहूमीन के नाम पर, बुजुर्गाने दीन के नाम पर जब अल्लाह आपको वो अदा फरमाए तो कीजिए, और करना भी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोग तो ऐसे खसीस और ऐसे कंजूस नस्ल के पैदा हो गए हैं कि अल्लाह ने उनको कुव्वत भी अता फरमाई है, लेकिन उसके बावजूद भी बस एक कर लिया बहुत बड़ा तीर मार लिया, एक कर लिया बहुत बड़ा तीर मार लिया। जनाब, मैंने कहा कि जिन चीजों की कुर्बानी दी जाती है अल्लाह बरकतें उन्हीं में अता फरमाता है, अल्लाह बरकतें उन्हीं में। जो पानी बार बार निकाला जाता है अल्लाह उसी पानी में खूबियां अता फरमाता है, उसी पानी में खूबियां अता फरमाता, दूसरे जमे हुए पानी में खूबियां अल्लाह नहीं अता फरमाता। ऐसी तरीके से जो जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाते हैं तो होना तो ये चाहिए कि एक साथ। अच्छा ये बताओ, मक्कतुल मुकर्रमा में ये भी कम से कम 30 लाख लोग हैं बाहर के, भाई कम से कम हाजी हज की कुर्बानी तो 30 लाख करेगा, और अगर मुकीम हो गया तो उसमें दो दो कुर्बानी, बशर्ते कि उसके पास इतना पैसा भी हो, है ना, तो 30 लाख तो वहां करे, वहां आबादी कहा लाखों लाख करोड़ों की तो वो अलग है, मुस्लिम ममालिक करोड़ों के वो अलग है, फिर हमारा मुल्क कहा करोड़ों की आबादी ये अलग है, और कमाल ये है कि एक आदमी कई कई के नाम पे किया करता है, अपने वालिद वालदा बाप वालिद वालदा दादा दादी नाना नानी मरहूमीन रसूल पाक और वसे पाक और ना जाने कितने इस तरह के बुजुर्गान दीन पीराने एजाब के नाम पे किए। एक आदमी जो है वो 20-20, 40-40 तक कुर्बानियां किया करता है, तो सोचो दुनिया में कितने जानवर काटे जाते हैं, सोचो दुनिया में कितने जानवर काटे जाते हैं। अब हमारा जहन ये क्या कहता है कि जब इतने जानवर काटे जाते हैं तो अगले साल तो खत्म हो जाना चाहिए, अगले साल तो खत्म हो जाना चाहिए। बताओ, खत्म हुए ये जितने थे उससे ज्यादा आए, जितने थे उससे ज्यादा आए, तो बात समझ में आती है, जो काम अल्लाह की इताअत में किया जाए अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकतें अता फरमाता है। हमेशा याद रखना, दिखावा ये हमारी मंजिल नहीं है, रियाकारी ये हमारा दस्तूर नहीं है। कहा दूसरे को दिखाने से तो दूसरे को भी तकलीफ पहुंचती है ना, दिखाने को दिखाने से दूसरे को भी तकलीफ पहुंचती है, पर भाई ये हमारी मंजिल नहीं। हमारा मकसद क्या? सिर्फ और सिर्फ रजाए इलाही है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की फरमा बरदारी करना है। अल्लाह खुश सारा जहान खुश, अल्लाह ही नाराज हो जाए तो सारे जहान की खुशी को लेकर के कहां जिंदगी गुजार पाओगे। ये कायनात उसी की बनाई हुई है, उसी पर हम पैदा हुए और मरेंगे भी तो उसी में हम दफनाए जाएंगे। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत को इख्तियार करने की कोशिश करो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी फरमा बरदारी